हेलो डियर्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मंत्रा ऑफ द बायोलॉजी में। मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने परफेक्शन के लेवल को भी अपग्रेड कर रहे होंगे। देखिए, प्रयास और सफलता में फर्क सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, एक सही स्ट्रेटेजी, एक सही तरीके को चुनने का। जो पर्सन प्रयास करते हैं और प्रयास करके सफल नहीं हो पाते, ऐसा नहीं है कि उन प्रयास करने वालों के पास सफलता या नॉलेज नहीं होती। आप देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो तीन तीन चार चार साल से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट किसी भी कारणवश वो सफल नहीं हो पाते। तो आप देखेंगे उनमें नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, उनमें बहुत नॉलेज होती है, बट फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। बिकॉज या तो लक उनके साथ में नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो किसी एक सही स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते। ओके, आइदर इज लक इज नॉट विद दैम और दे आर नॉट अडॉप्टिंग इस राइट स्ट्रेटेजीज विद दैम। नॉलेज इज नॉट ए इनफ थिंग फॉर गेटिंग ए सिलेक्शन इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिर्फ नॉलेज होना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए पर्याप्त नहीं है। इट इज नॉट इनफ। यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू थिंक बियॉन्ड टू दैट नॉलेज। लाइक आपको कुछ एक स्तर से ऊपर सोचना होगा, कैसे उस नॉलेज को सही तरीके से यूज करें, कैसे कंटिन्यूसली, कैसे बार बार अपने नॉलेज को सही दिशा दें, कैसे अपने नॉलेज को खुद जांचें और सही समय पे अपना सही सिलेबस पूरी तरीके से सिलेबस को समाप्त करें। ये एक राइट स्ट्रेटेजीज होती हैं। एंड जरूरी नहीं है कि जो एक पर्सन जो एक स्ट्रेटेजीज को चूज कर रहा है, वही सेम स्ट्रेटेजी दूसरे पर्सन के लिए भी सेम हो सकती है। बिकॉज हर पर्सन का सोचने का तरीका, हर देखने का तरीका, समझने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो कभी भी स्ट्रेटेजीज को किसी से अडॉप्ट नहीं करें, अपने लिए चूज करें कि आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजीज होगी। ओके, ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे सोचने के लिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली रीडिंग करते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, बहुत अच्छे से एलिमेंट्री नॉलेज होती है, बट फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। बिकॉज वो शायद अपने आप को एग्जाम के तरीके के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो इसलिए प्रयास और सफलता में सिर्फ फर्क होता है आपकी नॉलेज को सही तरीके से यूज करने वाली स्ट्रैटेजीज का। सो ऑलवेज चूज ए राइट स्ट्रैटेजीज, और ये जो राइट स्ट्रैटेजी होती है ये अपने अकॉर्डिंग होती है। आप किसी से कोई स्ट्रैटेजीज नहीं मांग सकते, ना किसी की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑलवेज वही स्ट्रैटेजी चूज कीजिए जो आपके लिए सही हो, और वो स्ट्रैटेजी जब भी आपको मिल पाएगी जब आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ और कहाँ मैं सही कर रहा हूँ। एक बार इसको सोचिए, आपको खुद समझ में आएगा कि शायद इस तरीके को मुझे छोड़ना होगा और ये नया तरीका मुझे अडॉप्ट करना होगा। ओके, सो ऑलवेज लिसन, नॉलेज अगेन एंड अगेन, नॉलेज इज नॉट इनफ टू ग्रैब ए सिलेक्शन इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, नॉलेज सिर्फ पर्याप्त नहीं होती है, सिर्फ नॉलेज पर्याप्त नहीं होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को में सिलेक्शन को ग्रैप करने के लिए। उस नॉलेज को सही जगह यूज करना, अपने आप का मंथन करना, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, आप में अपने आप में परफेक्शन लेवल को बढ़ाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने के लिए। वरना नॉलेज की कमी आज के लोगों में नहीं है, बहुत है नॉलेज। जो पर्सन अगर 1 लाख स्टूडेंट्स इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, ओके, तो उसमें अराउंड 30,000 to 40,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसमें नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। लाइक दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, बट फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाए। ओके, सो अगेन मैं हर बार आपको एक पॉइंट पे फोकस करता हूँ, एक सही स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने के लिए, जो बहुत जरूरी है। ठीक है डियर्स, सो आप जब भी कोई चैप्टर रीड करें, ठीक है, आप उसको समझ लें, और समझने के बाद में वो समझ में आया या नहीं आया उसका आउटकम चेक करें क्वेश्चंस को सॉल्व करके। जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसमें कोई लाइक
डिस्काउंट मत रखिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 10% डिस्काउंट ले लेते हैं, कि ये सॉल्व नहीं करें, कोई डिस्काउंट मत कीजिए, जितना हो सके बेस्ट बेस्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, और अगर आपसे सही होने में टाइम लग रहा है देन क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो हम रिपीट कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, बट वी हैव टू थिंक अबाउट आर सेल्फ की वेयर वी आर रॉन्ग, कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके डियर्स, सो लाइक टुडे वी विल स्टार्ट अ वेक्टर रिप्रोडक्शन। ओके, वेक्टर रिप्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाए देन स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन एज मच एज इज पॉसिबल, जस्ट यू ट्राई योर ऑन बेस्ट, जितना हो सके पॉसिबली अपने उनके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जहाँ से भी जैसे भी क्वेश्चन मिल जाए, इवन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैम। ओके, और आपको कुछ और भी बुक्स हैं, मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आप अच्छे अच्छे बुक्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे एमसीक्यूज आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मिल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस उन बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए एंड फिर देखिए कि क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप को जज कीजिए। फर्स्ट पहला कॉम्पिटिशन आपका अपने साथ है, फिर आपका कॉम्पिटिशन दूसरों के साथ है। अगर आप अपने आप को, अगर आप अपने आप को अपने आप से हरा पाए देन आप दूसरों को हरा सकते हो, लेकिन अगर खुद में ही प्रॉब्लम है देन दूसरों को नहीं हरा सकते। पहले आप अपने आप को हराइए, हराइए इट मीन्स कि लाइक हार मत मानिए, पहले आप अपने लेवल को अपग्रेड कीजिए, अपने आप में अपने आप से कॉम्पिटिशन कीजिए। एक बार आप अपने आप को हरा दिया अपने अपने कॉम्पिटिशन में और आप जीत गए, खुद ही जीतना है और खुद ही हारना है देन आप दूसरों से जीत सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप को हराइए, फिर दूसरों को हराने के बारे में सोचिए। सो डियर, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप लेक्चर, द बैक्टर रिप्रोडक्शन। ओके, एंड दिस इज अ पार्ट वन, सो बेसिकली बैक्टर रिप्रोडक्शन वी विल कवर इन द टू पार्ट। ओके, और जो मैं आपको बताता हूँ बेटा, इन सब का रियलिटी से बहुत मन आता है, सो प्लीज इवन इफ यू आर इन 11th क्लास देन ध्यान रखिएगा, पढ़ाई ऐसे कीजिए कि पढ़ाई भी फील करे कि क्या पढ़ा है इसने, उससे कुछ आउटकम आना चाहिए जब भी वो पढ़ाई का फायदा है, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। ओके, सो द बैक्टीरिया, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जैक्टली बैक्टीरिया में किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जनरली दे शो द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई गैमेट्स नहीं होते, बैक्टीरिया में कोई लाइक सेल फ्यूज नहीं होता, सिर्फ लाइक डीएनए का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सेल टू द अनोदर सेल, सो यू कैन कॉल इट द सॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द प्रिमिटिव काइंड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें कोई सेल फ्यूज नहीं हो रहे, कोई गैमेट्स का फ्यूजर नहीं हो रहा, सो जस्ट एक एक जस्ट डीएनए का एक कॉपी अपने आप को रेप्लीकेट करके एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देती है, दिस इज ओनली द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो इसलिए ये एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कह सकते हो प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर इज नो एनी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस। अभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जेनेटिकली एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड मोर ओवर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेजरली यू विल फाइंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज वहाँ पे एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, एक नई जेनेटिक स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, एक नए लाइक एक नई डेवलप स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, एक नई टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो इट अकर बाय द मैनी वेज, बाइनरी फ्यूजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड द सिस्ट फॉर्मेशन। सो इवन देर इज अ वन मोर विच इज कॉल्ड द कॉनिडियो फॉर्मेशन, जो बेसिकली होता है एक्टिनोमाइसिटिस में, बिकॉज एक्टिनोमाइसिटिस इज काइंड इट लुक लाइक रे फंगस, सो उसमें भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, और जैसे फंगस में एक्चुअली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉनिडिया के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें कॉनिडिया फोर्स, कॉनिडिया स्पोर के ऊपर कॉनिडियाज होते हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट काइंड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाइंड इन अ एक्टिनोमाइसिटिस। सो अभी मैंने यहाँ पे से तीन मेजर कैटेगरीज लिखी हैं यहाँ पे, बाइनरी फ्यूजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड द सिस्ट फॉर्मेशन। ओके, एंड प्रोबेबली एनसीईआरटी में यहाँ पे सिर्फ बाइनरी फ्यूजन को मेंशन करते हैं, लाइक द बाइनरी फ्यूजन जिन्होंने एक लाइन उन्होंने लिखी है कि बाइनरी फ्यूजन इज बेसिकली फाउंड इन अ बैक्टीरिया,
बट अब बाइनरी फ्यूजन को सिर्फ लिख देने से वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, बिकॉज इफ दे मेंशन द बाइनरी फ्यूजन देन यू शुड नो अबाउट द राइट एंड लेफ्ट अबाउट द बाइनरी फ्यूजन, मतलब उसके आगे पीछे और ऊपर नीचे जानना उसके बारे में बहुत जरूरी है कि एक्चुअली बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। अलॉन्ग विद द बाइनरी फ्यूजन यू शुड नो अबाउट द एंडोस्पोर एंड द स्ट्रिट फॉर्मेशन ऑल्सो। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी फ्यूजन, बट बिफोर द स्टार्टिंग जेनेटिक सॉरी बिफोर स्टार्टिंग टू द बाइनरी फ्यूजन देर आर द इवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन द बैक्टीरिया। इट अकर बाय द अगेन मैनी वेज, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। दिस आर द टाइप्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यू कैन से दिस आर द टाइप ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड दिस आर द टाइप ऑफ द प्रिमिटिव काइंड ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इन ऑल दिस मैथड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, वाइल इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना होने का मतलब है कि जैसी पेरेंटल सेल है वैसी की वैसी ही डॉटर सेल बन जाएगी। वाइल इन अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डॉटर सेल जो होगी वो पेरेंटल सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे अगर आप हमारा एग्जाम्पल लें, हम हमारा जो करेक्टर होगा, हमारा करेक्टर पूरा फुल करेक्टर ना पेरेंट से मैच करेगा ना मदर से मैच करेगा। उनकी कुछ बेसिक बेसिक करेक्टरिस्टिक हम में आती है, तो कुछ करेक्टर हम मदर से ज़्यादा हो सकता है कि ये हो सकता है कि मदर से कुछ ज़्यादा करेक्टर हम में आ जाए फादर से कम आए, या फादर से ज़्यादा करेक्टर हम में आ जाए मदर में से कम आए। मतलब 50% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 100% कभी नहीं होगा। 100% कभी भी जेनेटिक करेक्टर्स लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर फादर या मदर से नहीं आते। 50% से ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन 100% नहीं आते। सो इसलिए हम एक जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज हैं, मतलब दोनों के पेरेंट्स एंड मदर के फ्यूजन से जो एक स्पीसीज बनती है, हम लाइक वी आर ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज, एक नई स्पीसीज उन्होंने बनाई है। जैसे ही लाइक अब हम हमारी अगली जनरेशन चलेगी तो एक नई जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज आएगी। इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहेगा। ओके सो अगर केवल सिस्टम में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, केवल एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता, तो कभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता। और नयापन लाना नेचर का रूल है, नेचर हमेशा हर चीज़ नई नई चीज़ें लेके आती है। आज कुछ नया है कल कुछ और नया होगा, तो इसलिए नेचर हमेशा नयापन तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, नयापन आएगा जब भी तो हम आगे चलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी फ्यूजन। ओके दिस इज अ काइंड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फ्यूजन मतलब बाइनरी का मतलब होता है दो, मतलब एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी फ्यूजन। दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज बेसिकली फाउंड इन अ बैक्टीरिया। मतलब ये सबसे कन्वेंशनल कह सकते हो या कॉमन मेथड कह सकते हो कि जनरली बैक्टीरिया अपनी फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फ्यूजन ही फॉलो करते हैं। एंड प्रोबेबली यू डोंट बिलीव कि जनरली जितने भी जो माइक्रोबियल स्पीसीज हैं वो माइक्रोबियल स्पीसीज फेवरेबली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो करती हैं, एंड अनफेवर सिचुएशंस में ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। ओके दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। जितनी भी लाइक द अनफेवर सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस में लाइक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करती हैं, वाइल इन द फेवर सिचुएशन मतलब जब कंडीशन उनके फेवर में होती है जब वो एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। और उनमें भी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन। ओके बिकॉज इसमें इन इन ड्यूरिंग दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो स्पीसीज को एनर्जी का बहुत से कम यूज करना होता है। सो इन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और लेस अमाउंट ऑफ द रिक्वायरमेंट वो इस जल्दी से डिविजन कर जाते हैं। ओके इवन लाइक जब आप हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लैब में, वहाँ पे भी वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं। बिकॉज बाइनरी फ्यूजन में जैसे उनको फूड मिलता है देन वो स्टार्ट डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट बनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके इसमें कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बैक्टीरिया प्रेफर कम करते हैं। किसी भी जो अनफेवर सिचुएशन होती है उसी में ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। सो थ्रू दिस फ्यूजन द बैक्टीरिया डिवाइड इन द टू पार्ट, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ बाइनरी फ्यूजन। एंड ड्यूरिंग दिस फ्यूजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेप्टम फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। देखिए एंड इस बाइनरी फ्यूजन में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक होता है सेप्टम, मतलब होता है बीच में से एक कट आना,
उसे बोलते हैं सेप्टम, और दूसरा होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ये दो, डीएनए मतलब रेप्लिकेट होता है और बीच एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं बाइनरी फिजन में, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर इफ यू टॉक अबाउट द सेप्टम फॉर्मेशन, याद हो अगर आपको, तो हमने मीजोसोम में एक टाइप पढ़ा था, सेंट्रल मीजोसोम। हमने ये पढ़ा था कि कभी कभी जो मीजोसोम्स होते हैं वो अंदर की तरफ इतने इन्वेड हो जाते हैं कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से एग्जिट नहीं होता, न्यूक्लोइड की तरफ आ जाते हैं। और न्यूक्लोइड की तरफ, जैसे कि मान के चलिए ये सेल है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो सेंट्रल मीजोसोम इतना ज़्यादा इन्वेड हो जाता है, तो इस तरीके से अंदर की तरफ आने लग गया, मतलब खांचा बन जाता है। अब खांचा बन गया तो देखिए सेल्स दो पार्ट, देखिए सेल दो पार्ट में डिवाइड होने लग गई, सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। सो इस सेंट्रल मीजोसोम ही हेल्प करते हैं बाइनरी फ्यूजन में। ओके, देखिए मैं आपको एक फिगर से आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, द फर्दर सेप्टम इन्वेड स्लोली एंड स्लोली सेंट्रीपिटली एंड सेल डिवाइड इन टू द टू पार्ट्स। मतलब सेंट्रीपिटल का मतलब होता है फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंटर, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रीपिटली। मतलब फ्रॉम द पेरीफेरी, मतलब ये पेरीफेरी है और ये देखिए ये पेरीफेरी है, और फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटली। अब देखिए मैं एक पिक्चर से आपको शो करता हूँ। दिस इज द पेरेंट सेल, जो आपको पहली सेल दिखाई दे रही है ये पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल में जो आपको ये पर्पल कलर का एक जीनोम दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब होता है क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो अगर आप डीएनए का रेप्लिकेशन देखेंगे तो ये जो पर्पल कलर का जो आपको है ओरिजिनल जीनोम है, और उसके अंदर आपको एक रेप्लिकेटेड जीनोम दिखाई देता है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है। अब ये डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे जब हम मॉलिकुलर सिस्टम में जाएंगे, जब हम डिफरेंट पॉइंट लाइक डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन जब हम पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि लाइक किस तरह के रेप्लिकेशन ये फिनोमिना फॉलो होता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं एंड बहुत सारे सीक्वेंस को फॉलो करता है। सो मैं अभी ये वर्ड यूज नहीं कर रहा। रेप्लिकेशन मतलब अपनी ही जैसी दूसरी कॉपी बना लेना, ये सिंपल वर्ड है रेप्लिकेशन का। ओके, अब देखिए दैट्स अ सेल वॉल, हमें पता है। और आप देखिए सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन थी, अब ये देखेंगे आप प्रीवियसली आएंगे तो ये दिख रही है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। अगर अब देखेंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट टू इन्वेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये देखिए दैट्स अ सेंट्रल मीजोसोम। एंड ये सेप्टेट है, मतलब सेप्टेट मतलब खांचा, दोनों एक सेंट्रल की तरफ एक खांचा बन गया है। अब उस खांचे की वजह से एक में आपका ओरिजिनल जीनोम आ गया और एक में आपका डुप्लीकेट या रेप्लीकेट जीनोम आ गया। और अब उस जीनोम होने की वजह से अब ये खांचा इतना बीच में, लाइक खांचा है, अब ये खांचा इतना बिल्कुल बीच में कट कर देता है और इसे दो डिफरेंट सेल्स बन गई, एक सेल नंबर वन एंड सेल नंबर टू, एंड दिस आर द टू डॉटर सेल्स विच जनरेट फ्रॉम ए वन पेरेंटल सेल। मतलब एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, दो डॉटर सेल्स दिखाई दे रही, और दोनों डॉटर सेल्स और पेरेंटल सेल्स ये सभी इक्वल होंगी, जेनेटिकली सेम काइंड ऑफ कह सकते हो, जेनेटिकली सेम टाइप के करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, सब कुछ सेम फॉलो होगा, क्लियर। सो इसलिए इसमें कोई जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता। अगर जेनेटिकली नई रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज होती तो इनका डीएनए का एक्सप्रेशन और पेरेंटल जी डीएनए का एक्सप्रेशन दोनों डिफरेंट होता, कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको नजर आता, बट अभी किसी में किसी भी तरह का कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वो आपको नजर नहीं आएगा। एक कुछ डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में। अब वो देखिए, इससे जनरेशन टाइम से रिलेटेड कुछ काइंड ऑफ द न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाइक जैसे कि द टाइम टेकन बाय ए बैक्टीरिया डिवाइड इनटू टू सेल्स। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जनरली आएगा बाद में भी, जब आप मेडिकल में भी जाएंगे, जब भी आपको जनरेशन टाइम से रिलेटेड ग्राफ वहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने होंगे, कि लाइक एक सेल जब दो सेल में डिवाइड हो जाती है, द टाइम टेकन बाय ए बैक्टीरिया डिवाइड इंटू द टू सेल दैट इज कॉल्ड अ जनरेशन टाइम। ओके, एंड इस जनरेशन टाइम्स में लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एंड दैट बाइनरी फ्यूजन और ए सेक्शुअल काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द ए मायोटिक डिविजन, बिकॉज ड्यूरिंग दैट डिविजन किसी भी तरह के स्पिंडल फाइबर्स, एक्चुअली स्पिंडल फाइबर बेसिकली बनते हैं जब माइटोटिस और मियोसिस होता है, जब ये एक्चुअली यूकेरियोटिक सेल्स की करेक्टरिस्टिक होती है, जहाँ पे माइटोटिक एंड द मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो प्रोटीन के होते हैं ये फाइबर्स।
जो क्रोमोसोम के लाइक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. बट अब बैक्टीरिया सेल के अंदर तो क्रोमोसोम होता ही नहीं है. क्रोमोसोम क्यों नहीं होता? बिकॉज क्रोमोसोम के बनाने के लिए डीएनए को स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटना होता है, उसको कवर करना होता है. अब आप खुद सोचिए, जब उसमें हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है, जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो डीएनए किसको कवर करेगा? अब डीएनए कवर नहीं करेगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा. अब जब क्रोमोसोम ही नहीं बनेगा तो स्पिंडल फाइबर बन के भी क्या करेंगे? दैट्स वाई इसमें जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए माइटोटिक डिवीजन. क्लियर? ये जनरल डेफिनेशंस हैं. एंड इन जनरल डेफिनेशंस का जो रूल है या फिर उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे से जनरेट होते हैं, एंड यू विल फाइंड द लोड्स ऑफ द क्वेश्चन इन द प्रैक्टिस शीट फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स. लाइक व्हाट अबाउट द जनरेशन टाइम, व्हाट अबाउट द एमायोटिक डिवीजन के लाइक एक सेल को दो सेल डिवाइड होने में अगर 1 मिनट का टाइम लगता है, सो विन 1 आवर द हाउ मच सेल्स यू विल फाउंड. इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिलेंगे. ओके नाउ आपने भी जो पढ़ा दैट वाज अ बाइनरी फ्यूजन. तो बाइनरी फ्यूजन बेसिकली होता है फेवरेबल कंडीशंस में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फेवरेबल कंडीशन में. व्हाइल इन एंडोस्पोर एंड द सिस्ट फॉर्मेशन इट बेसिकली दे डू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस काइंड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लाइक इन द अनफेवर सिचुएशन. जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनफेवर हो जाती है तो उस सिचुएशन में एंडोस्पोर बनाते हैं, उस सिस्ट बनाते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें. देखिए एंडोस्पोर एंड द सिस्ट ये बहुत बुक्स में नहीं दिया जाता बिकॉज वो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते हैं. बिकॉज इसलिए नहीं मानते हैं बिकॉज ये एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. एग्जैक्टली नहीं, ये वे ऑफ सर्वाइवल है. बिकॉज बैक्टीरिया को कभी कभी अपना सर्वाइव करने के लिए एक डीएनए को रेप्लीकेट करके एक सेल में छोड़ देते हैं और उसको उसके चारों तरफ एक थिक लेयर बना देते हैं ताकि वो अपनी एक स्पीसीज को सेफ रख सके. कहते हैं ना कि सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस की क्या कहते हैं, जाने से पहले एक अपना डीएनए छोड़ के चले जाते हैं और उसको चारों तरफ एक कवरिंग कर देते हैं जिससे एटलीस्ट हमारा हमारी एक जनरेशन बची रहे, हमारी जनरेशन खत्म ना हो. सो द एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड द सिस्ट फॉर्मेशन ये बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल करने का तरीका है रादर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? बैक्टीरिया फॉर्म द एंडोस्पोर इन द एडवर्स कंडीशन. एडवर्स मतलब होता है अनफेवरेबल सिचुएशन. देखिए एंडोस्पोर में क्या होता है कि जब जैसे दो सेल्स बन, जैसे एक सेल पेरेंटल सेल है, अब पेरेंटल सेल को ये फील हुआ कि हमारा जाने का समय आ रहा है, हमारे लिए जो कंडीशन है हमारे लिए फेवर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चालाक होती है. ऐसा नहीं कि हर सेल एंडोस्पोर बनाती है, हर सेल सिस्ट बनाती है, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल्स ही ये काम कर पाती हैं. अगर बैक्टीरिया को यही फील हुआ कि शायद अब कंडीशन हमारे फेवरेबल में नहीं है, कंडीशन हमारे लिए ठीक नहीं है, हम शायद यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, शायद हमारा जिंदा रहना हमारे लिए अब हमारे कंडीशन से, हमारी रिक्वायरमेंट से बाहर है, तो वो सोचते हैं चलो कुछ चेंज करते हैं. अब वो चेंज क्या करते हैं, जैसे कि एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होने वाली होती है तो उस कंडीशन में एंडोस्पोर और सिस्ट में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सेल पेरेंटल सेल को जब ये फील हुआ कि जब कि कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है एंड रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन आ चुकी है, कह सकते कहते हैं ना कि लास्ट समय आने वाला है, तो ये इनके पास एक ऑप्शन होता है, हमारे पास नहीं होता है, इनके पास एक ऑप्शन होता है अपने डीएनए को बचाने का. देखिए एक स्पीसीज कहते हैं ना एंडेंजर्ड स्पीसीज कब मानी जाती है, जब उसका डीएनए खत्म हो जाता है. मतलब जब डीएनए ही नहीं है तो लाइफ को एक्सप्रेस करने वाला ही कुछ नहीं है. तो इन बैक्टीरिया जानते हैं कि अगर हमें अपने आप की अपनी पीढ़ी को बनाए रखना है, ये कैसे कहते हैं ना कि लाइक हमें अपने वंश को बनाए रखना है, तो हमें अपना डीएनए बचा लेना है. उस डीएनए को स्टोर रख देते हैं ताकि कभी जो फेवरेट सिचुएशन है तो डीएनए दोबारा से ऐसा बैक्टीरिया बना ले. तो होता क्या है कि बैक्टीरिया एक पेरेंटल सेल डॉटर सेल में डिवाइड होने का ट्राई करती है. अब जैसे क्या होता है, एक सिंपल मैं एक तरीके समझा देता हूँ. ये पेरेंटल सेल है, फॉर एन एग्जाम्पल ये मार्कर को मान लीजिए पेरेंटल सेल है. अब इसके अंदर एक डीएनए है, ठीक है. अब वो क्या करेगा, अपने एक डीएनए का अब आपके डीएनए का एक रेप्लीकेट करेगा, अपने डीएनए को रेप्लीकेट करेगा, मतलब अपना सेम ऐसी कॉपी बनाएगा डीएनए की. और डीएनए की कॉपी बनाने के बाद में एक ये पूरी सेल है, इस सेल के छोटे से पार्ट में वो कॉपीड पार्ट को वहां डाल देगा और यहां से एक सेप्टम लेके आ जाएगा, जिससे सेप्टम से क्या होता है कि ये सेल टूट के बाहर हो जाती है. और इस सेल में क्या है, इस सेल के अंदर एक रेप्लिकेट डीएनए है.
अब इस रेप्लिकेट डीएनए भी, ये भी एक सेल है, इसमें रेप्लिकेट डीएनए, अब इसके चारों तरफ एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये तो डीएनए था, इसको तो पता है कि भाई हमारी तो लास्ट समय आ गया, तो ये एडवर्स कंडीशन में मर जाता है, लेकिन इसने ये बचा लिया, मतलब अपने डीएनए सुरक्षित कर लिया ना, जाने से पहले अपनी जान डाल गया इसके अंदर। तो ये डीएनए इसके चारों तरफ क्या करता है, चारों तरफ एक वॉल बना देता है जो बहुत हाईली एक्सट्रीम कंडीशन पे रह पाती है, इवन माइनस टेम्परेचर से लेकर पॉजिटिव टेम्परेचर, हायर लाइक 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर तक सर्वाइव कर पाती है, और इसको सुरक्षित रख दिया जाता है जैसे कंडीशन फेवर में आएंगी, जब दोबारा से ये अपना काम कर लेंगे। ओके, सो द इट्स इट इज अ सर्वर लेयर स्ट्रक्चर एंड कंटेन दिस काइंड ऑफ द लेयर्स, लाइक इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए होता है सुरक्षित होता है, उस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कोटेक्स होता है जो बना होता है, एक होता है इनर और एक आउटर, मतलब इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर डीएनए सुरक्षित है, उस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एक इनर कोटेक्स होता है, इनर कोटेक्स के ऊपर एक आउटर कोटेक्स होता है, और उस आउटर कोटेक्स के ऊपर एक आउटर कोट भी बना हुआ होता है। अब सोचिए इतनी लेयर्स होती है, अब कौन सी कंडीशन इनको खत्म करेगी, कोई एंजाइम्स भी इन तक नहीं पहुंच पाता, इतना डीएनए को इतना सुरक्षित रखा जाता है, मतलब कह सकते हो ना एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ओके आई थिंक एसपीजी को यही बोलते हैं, ओके ये मतलब कह सकते हो ना एक हाईली हाईली लाइक लेवल की हाई लेवल की सिक्योरिटी डीएनए को दी जाती है, हाई लेवल की सिक्योरिटी जिससे इनको कुछ ना हो। ओके, कोटेक्स इज केमिकली कंपोज ऑफ द म्यूकोपेप्टाइड एंड द कैल्शियम डीएपी जिसका फुल फॉर्म होता है डाइपिकलोनिक एसिड। देखिए ये एक्चुअली क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड तो वही बेटा आपका पेप्टिडोग्लाइकन वाला स्ट्रक्चर उससे बना हुआ होता है, कैल्शियम डीएपी इज अ मेक द एंडोस्पोर हीट रेजिस्टेंट टू बी सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये जो डाइपिकलोनिक एसिड है ये एंडोस्पोर को हीट रेजिस्टिव बनाता है, जिसकी वजह से ये माइनस टेम्परेचर से लेके 100 लाइक प्लस 150 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव कर जाते हैं। सो बिलीव करने लायक नहीं लग रहा होगा बट लाइक मजबूरी बिलीव करना पड़ेगा, ये इतनी डेंजरस लेयर होती है जिससे वो उसको माइनस टेम्परेचर से लेके प्लस 150 डिग्री तक इसको सर्वाइव करने देती है। इतना अगर लाइक टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया देन उस कॉटेक्स पे उस डीएनए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी ज्यादा हाईली सिक्योर एरिया में डीएनए को सुरक्षित किया हुआ है। ओके, कैल्शियम डीएपी वर्क एज ए एंटीकोगुलेंट सो इट प्रिवेंट द सेलुलर मैटर फ्रॉम मेटेरियल फ्रॉम द एंड फ्रीजिंग। अब ये जो वर्ड आता है आपको एंटीकोगुलेंट, ये वर्ड आता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है कि एक रिएक्शन होती है कोगुलेशन रिएक्शन जिसमें हम किसी भी पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करके उसको सेटल डाउन करा लेते हैं, बट कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट होते हैं जो इस रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज अगर बैक्टीरिया को अगर आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया ठीक है देन मतलब उसके लाइक जैसे आपने देखा होगा कि लाइक जो उसकी सेल वॉल होती है या फिर जो जनरली जो उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने याद भी हो तो शायद आपको कि लाइक उसमें काफ़ी सेल वॉल्स उसके अंदर लाइक टिक्योइक एसिड हो लाइक उसके अंदर नेगेटिव टिक्योइक एसिड होता है बिकॉज ऑफ द फास्फेट ग्रुप। सो इन केस क्योंकि कोई ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसने एंडोस्पोर बना लिया तो उसमें टिक्योइक एसिड है तो नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द फास्फेट ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज है तो भाई कोई भी जाके अब बिकॉज ऑफ द टिक्योइक एसिड वो स्टेबल है। अब मान के चलो आपने एलम डाल दिया, एलम एक्चुअली कॉगुलेंट होता है इसको फिटकरी कहते हैं, अब वो क्या करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रिएक्ट करके फिलहाल एलम रिएक्ट नहीं कर सकता लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एन एग्जाम्पल अपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, टिकोइक एसिड का काम खत्म हो गया देन सेल अनस्टेबल हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी, सो इट मी अनस्टेबल हो गई सेल मेम्ब्रेन, अब अनस्टेबल हो गई सेल वॉल, अब अनस्टेबल हो गई देन मतलब एक अनस्टेबिलिटी जब क्रिएट हो गई देन डीएनए को इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से ही तो कैल्शियम डीएपी होता है एंटीकोगुलेंट की तरह बिहेव करता है, ये उसको कोगुलेशन में लाइक उसको न्यूट्रलाइज नहीं होने देता। ओके, जिससे उसकी फ्रीजिंग नहीं कर पाते, फ्रीज नहीं कर सकते। ओके, फ्रीज यहाँ मतलब होता है उसको अनस्टेबल नहीं कर सकते, उसके स्टेबिलिटी को नहीं चेंज कर सकते। ओके, एंडोस्पोर शो द लो मेटाबोलिक रेट सो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टाइम ऑल्सो, एंडोस्पोर जनरली दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज दे हैव अ लो मेटाबोलिक रेट, क्योंकि अगर हाई मेटाबोलिक रेट होगा देन वो अपनी सारी मेटाबोलिज्म के थ्रू सारी अपने जो स्टोर्ड फूड है स्टोर्ड फूड को खत्म कर देंगे, सो
सो अगर स्टोर फूड को खत्म कर देंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसमें अगर आपने एंडोस्पोर बनाया है तो फूड तो उसमें रखा ही जाएगा, जिससे वो टाइम टू टाइम अपना फूड लेते रहे, क्योंकि अगर फूड नहीं होगा देन वो अपना आपको कैसे सर्वाइव रखेंगे, क्योंकि एंडोस्पोर जिंदा तो है तो जिंदा ही ना, लिविंग है तो फूड तो चाहिए होगा तो, लेकिन इसलिए अपना मेटाबॉलिक रेट बहुत कम कर देते हैं जिससे वो थोड़ा 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 फूड लें, क्योंकि अगर सारा फूड ले लिया तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट एंडोस्पोर फॉर्मेशन यू इट मे सीन इन द बेसिलस एंड द क्लॉस्ट्रिडियम में आपको ये बेसिकली दिखाई देगा। सो प्लीज़ ये एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल्स कभी काफ़ी बार पूछे जाते हैं लाइक एम्स के एग्जाम्स में, और कभी कभी ये एग्जाम ये क्वेश्चन आया है नेट एग्जाम जो पहले AIPMT होता था उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं। ओके एंड लाइफ स्पैन ऑफ द एंडोस्पियर इज एंडोस्पोर इज अराउंड 50 ईयर्स, जो एंडोस्पोर की जो लाइफ होती है वो 50 ईयर्स तक होती है, मतलब 50 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी होस्ट में। ओके देखिए ये स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर का, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। देखिए डीएनए बिल्कुल अंदर की तरफ है, बिल्कुल अंदर की तरफ डीएनए है, जिसमें आपका डाइपिक्लोनिक एसिड है, जिसके अंदर कॉर्टेक्स है, फिर इनर कॉर्टेक्स है, फिर लाइक कॉर्ट है, इनर कॉर्ट है, आउटर कॉर्ट है, सारे मेम्ब्रेन सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइडेड है। आप कुछ सोचिए एक डीएनए है, उस डीएनए को सुरक्षित करने के लिए कितनी सारी लेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो यही है लाइक आप सोचिए बैक्टीरिया की खास बात, कैसे किसी एक डीएनए को सुरक्षित करना है, बैक्टीरिया से सीखिए। नाउ द सिस्ट फॉर्मेशन, देखिए सिस्ट फॉर्मेशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन में एक ही फर्क है, एंडोस्पोर में वो एक डॉटर सेल बनाती है जिसमें आपने डीएनए को डाल देती है और उसको सुरक्षित रखती है, व्हाइल इन अ सिस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है पूरी सेल ही कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सिस्ट के अंदर, मतलब पूरी की पूरी एंटायर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल कन्वर्टेड इनटू द सिस्ट, और वाइल इन द एंडोस्पोर एक डॉटर सेल कन्वर्ट होती है एंडोस्पोर में। जनरली सिस्ट एंड द एंडोस्पोर हैव ए मेजर सिमिलरिटी एक्सेप्ट टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड, देखिए ऑलमोस्ट सभी सिमिलरिटी आपको मिलेंगी, वाइल इन अ जो सिस्ट होता है उसके अंदर कैल्शियम डीएपी नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो सिस्ट होता है वो हीट रजिस्टिव नहीं हो पाता, कभी कभी ये हाई लाइक अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है, और ये आपको मिलेगा फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री नाइट्रोजनस जो बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग बैक्टीरिया होते हैं एजोबैक्टर में। ओके अगेन ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब आता है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड द शॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको आई थिंक पहले ही क्लियर कर दिया है कि एग्जैक्टली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है, जहाँ पे लाइक जेनेटिकली एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, एग्जैक्टली प्रिमिटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, क्योंकि इसमें ना गैमेट्स बनते हैं ना लाइक इसमें ना गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ना लाइक सेल फ्यूज होती है, बस एक सेल से डीएनए ट्रांसफर होता है और दूसरी सेल में जाता है, इट इज कॉल्ड अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके देखिए मैं एक जस्ट एक पिक्चर दिखाता हूँ कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। सो द सेल जो आपको एक सेल दिखाई दे रही है, इस सेल के अंदर ये जो दिख रहा है आपको ये उसका डीएनए है, एंड ये जो राउंडेड राउंडेड सेल है ये डोनर सेल है, मतलब डोनर सेल मतलब जो अपना डीएनए डोनेट कर सकता है उसे बोलते हैं डोनर सेल। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप की सेल्स आपको मिलेंगी, एक होती डोनर जो अपना डीएनए देंगी, एक होता रिसिपिएंट सेल जो डोनर सेल के डीएनए को रिसीव करेंगी, जब ही तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट बनेगा। ठीक है अब ये डोनर सेल है जिसके अंदर डीएनए है, ठीक है सॉरी जिसमें ये दिख रहा है आपको इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनेट डीएनए, मतलब उस डीएनए का पूरा डीएनए नहीं, उस पीस ऑफ द डीएनए, मतलब उस पूरे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, पूरे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सोजिनोट डीएनए, वो डीएनए मतलब जो लाइक ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं एक्सोजिनोट डीएनए, वो डीएनए बेसिकली ट्रांसफर होता है इन द रेसिपिएंट सेल। एग्जैक्टली क्या होता है, अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर डीएनए से अब डीएनए है तो उसको डीएनए का एक पीस काट दिया और पीस काटने के बाद में उसको हमने रेसिपिएंट सेल में छोड़ दिया, पीस कटता नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे ये एक डीएनए है, ठीक है अब ये डीएनए अपनी कॉपी बनाता है पहले, ठीक है एक डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है एंड
टीएन ने कॉपी बनाएगा। आप कॉपी बनाने के बाद में एक जैसे कि कॉपी बनाया, एक छोटे से पार्ट की उसने कॉपी बना ली, पूरा डीएनए नहीं या उसके डीएनए के छोटे से पार्ट की उसने कॉपी बना ली, कॉपी ही थी उसकी कॉपी, ठीक है। अब उस डीएनए ने अपने एक छोटे से पार्ट की कॉपी बना ली। अब कॉपी बनाने के बाद में एंड उसने उस कॉपी को सेंड कर दिया रिसिपिएंट सेल में। अब देखिए ये जो डीएनए है इसने अपने छोटे से पार्ट को, जो पीस ऑफ द डीएनए, इसको रेप्लिकेट किया और रेप्लिकेट करने के बाद में ये रिसिपिएंट सेल में लेके आ गए। अब दैट द शॉट ऑफ द डीएनए ये जो दिख रहा है आपको, ये येलो कलर का डीएनए, ये येलो कलर का डीएनए रिसिपिएंट सेल का डीएनए है, और ये जो पार्ट ऑफ डीएनए इज बिकम एसोसिएटेड विद द डीएनए ऑफ द रिसिपिएंट सेल। मतलब ये जो पार्ट ऑफ द डीएनए है रिसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ में एसोसिएट हो गया, और जब ये एसोसिएट हो गया देन इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो देखिए इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक था एक्सोजेनेट डीएनए, जो डीएनए ट्रांसफर होता है दैट इज एक्सोजेनेट डीएनए, एंड द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द रिसिपिएंट सेल दैट इज कॉल्ड द एंडोजेनेट डीएनए। और जब एक्सोजेनेट और एंडोजेनेट डीएनए दोनों मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एक नई डीएनए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है कि इस डीएनए के साथ में एक छोटा सा डीएनए डुप्लीकेट में आ गया, मतलब डबल हो गया, दैट्स वाई इसको बोलते हैं मीरोजाइगोट डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखे, मतलब देखिए एक्सोजेनेट प्लस एंडोजीनेट, उससे बना मीरोजाइगोट डीएनए, बिकॉज रिसिपिएंट सेल में एक छोटा सा पार्ट मतलब डबल हो गया, क्योंकि वो पार्ट आपका लाइक एक्सोजेनोट एक्सोजीनेट जो डीएनए है व्हेन इट बिकम एसोसिएटेड विद द एंडोजीनोट डीएनए, तो एंडोजीनोट के साथ में वो एक्सोजीनेट का छोटा सा पार्ट आ गया, तो मतलब वो पार्ट डबल हो गया, तो उससे बना मीरोजाइगोट डीएनए। एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम द यूकेरियोटिक सेल रिप्रोडक्शन। यूकेरियोटिक सेल का रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं होता है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मियोसिस होता है, माइटोटिस होता है, उसमें डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा। इवन लाइक मियोसिस और माइटोटिस के अलावा भी इसमें और भी डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एज दे शो द थ्री टाइप्स ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैथड, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्जुगेशन को, बिकॉज अगर अभी मैं तीनों कवर कर दूंगा तो इट टेक्स अ टाइम, तो वो लेक्चर की एग्जैक्टली जो आत्मा है, जो एक्चुअली जो उसका उसका सोल है, उसका जो कोर है, वो खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्जुगेशन। ओके, मैं अगेन आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको लेक्चर कभी कभी थोड़ा बड़ा लगता हो, बट लेक्चर बड़ा होना छोटा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन इम्पॉर्टेंट है कि लेक्चर का कंटेंट कितने अच्छे तरीके से कवर हो पाता है। एंड वी ऑल्सो ट्राई कि अपने हम लेक्चर के कंटेंट को जितना बेस्ट हो सके उसको और अच्छे तरीके से डिलीवर करें, क्योंकि कंटेंट की कमी आज कहीं नहीं है। इवन इफ यू टाइप द कॉन्जुगेशन ऑन गूगल, इवन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल गेट ए थाउजेंड ऑफ द वीडियोज एंड थाउजेंड ऑफ द पीडीएफ फाइल्स एंड द थाउजेंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बट उनको समझाने के लिए एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक जस्ट वो मैं एक मीडिएटर हूँ, जिससे मैं आपको वो लाइक बुक और आपके बीच का एक मीडिएटर हूँ, जो बुक्स में को समझाने के लिए मैं वो आपको बस समझा सकता हूँ कि एग्जैक्टली बुक में क्या चल रहा है, जिससे आपके और बुक के बीच में कोई गैप ना रहे, दोनों जो बुक में लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ जाए। द कॉन्जुगेशन इज अ नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज शोन बाई अ बैक्टीरिया। एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाई विच वन बैक्टीरिया ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द अनोदर बैक्टीरिया वाई ए सेक्स प्लाई एंड द एक्टोप्लाज्मिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक आपको अभी ये वर्ड क्लियर हो गए होंगे, हमने सेक्स प्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं कि वॉट इज अ सेक्स प्लाई, एंड एक्टोप्लाज्म, ये दो वर्ड हमने पढ़े हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर होंगे। मैंने शायद प्लाई जब पढ़ाया था, जब बताया था कि कुछ प्लाईज प्रेजेंट होती है, प्लाईज कुछ प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो सेक्स प्लाई होती है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल की तरफ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें एप्लाज्मिड का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज शायद आपको याद हो जब हम प्लाज्मिड पढ़ रहे थे, एक्सोक्रोमोसोमल डीएनए पढ़ रहे थे, तो हमने वो तीन टाइप पढ़े थे, एक था आपका एप्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड था, एक कॉल प्लाज्मिड था, एक आर प्लाज्मिड था। तो उसमें जो सेक्स प्लाज्मिड था, जैसे हम बोला था कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम एप प्लस कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसको एप माइनस कहते हैं, तो शायद आपको याद होगा। तो हम चलते हैं उसके बारे में स्टडी करने के लिए, एग्जैक्टली एप प्लाज्मिड कैसे अपना रोल प्ले करता है। सो लेडरबग एंड द टोटम दे परफॉर्म दिस मैथड एंड प्रूव इट, उन्होंने इसको देखा और उसको प्रूफ भी किया।
The sex ply form a one conjugation tube from the male bacteria to the female bacteria for the transferring of the genetic material. अब देखिए, एक सिंपल सा एक डायग्राम है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये एप प्लस है, जिसके अंदर प्लाज्मिड होगा एप प्लस बैक्टीरिया होगा। मैं एक बार ये रब कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत करता हूँ देखने में, ठीक है, एंड जिसके अंदर एप प्लाज्मिड एबसेंट होगा वो एप माइनस होगा। सो देखिए, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन है जिसके थ्रू प्लाज्मिड, अब ऐसा नहीं कि ये प्लाज्मिड अपना चला जाएगा उसके अंदर, ये प्लाज्मिड रेप्लीकेट होगा। अगर ये प्लाज्मिड चला जाएगा तो एफ नेगेटिव होगा, ये एफ प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं होता। प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लीकेट करता है और रेप्लीकेट करके उस रेप्लीकेट पोर्शन को दूसरे सेल में भेजता है वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब। सो एग्जैक्टली ये जो एफ फैक्टर होता है, मतलब एफ प्लाज्मिड होता है, तो ये एफ प्लाट में जिस एफ प्लाई जो एफ प्लाज्मिड होता है, ये एफ फैक्टर होता है, ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेक्स प्लाई के लिए। मतलब जिसमें एफ प्लाज्मिड होता है, उन प्लाज्मिड में ही आपको सेक्स प्लाई बनने के चांसेस आपको दिखाई देंगे। जिसके अंदर एफ माइनस बैक्टीरिया है वहाँ पे कभी भी सेक्स प्लाई नहीं प्रेजेंट होते, बिकॉज वो क्योंकि उसके अंदर लाइक एफ फैक्टर नहीं होता, और उस एफ फैक्टर मतलब एफ प्लाज्मिड में ही जीन्स होती हैं सेक्स प्लाई को बनाने के लिए। समझ में आई मेरी बात? मतलब ये एफ प्लाज्मिड है, ये एफ प्लाज्मिड है, तो इस एफ प्लाज्मिड में ही जीन्स होंगे जिससे वो इन सेक्स प्लाई को बना पाएगा। अब सेक्स प्लाई इतनी बड़ी होती नहीं है, बट ये सेक्स प्लाई ही कन्वर्ट हो जाते कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर। अब हम एक और अच्छे से समझ पाएंगे स्लोली एंड स्लोली। देखिए, दिस बैक्टीरिया कंटेन ए प्लाज्मिड कॉल्ड अ मेल बैक्टीरिया एंड दोज डोंट कंटेन कॉल्ड अ फीमेल बैक्टीरिया। सो द मेल बैक्टीरिया शोन बाय एफ प्लाज्मिड एंड फीमेल बैक्टीरिया शोन बाय द एफ माइनस बैक्टीरिया। सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ द मेल बैक्टीरिया, एक होता है एफ प्लस मेल और एक होता है एच एफ आर मेल, मेल फर्टिलिटी रेट। शायद आपको याद हो तो मैंने आपको जो समझाया था आई थिंक सेक्स प्लाज्मिड में ही, कि दो टाइप के आपको प्लाज्मिड के करेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे। एक करेक्टर में प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लीकेट होता है और ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल, क्लियर। दूसरे टाइप में क्या होता है, प्लाज्मिड न्यूक्लियस के साथ, सॉरी न्यूक्लोइड के साथ में एसोसिएट हो जाता है, और जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड इसको हम बोलते हैं, मतलब एक प्लाज्मिड है न्यूक्लियस के साथ, सॉरी इसके न्यूक्लोइड के साथ में एसोसिएट हो गया, और एसोसिएट होने के बावजूद एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड बनाता है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है। जब ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड बनाता है तो उसके फर्टिलिटी की रेट बहुत हाई टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब वहाँ पे उसके जो डीएनए ट्रांसफर करने की जो रेट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करने की जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए इसको हाई फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। देर इज ऑनली द वन टाइप ऑफ फीमेल बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं एफ माइनस फीमेल। एफ फैक्टर ऑल्सो कंटेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एफ सेक्स पाइलस, मैंने आपको ही बताया था, क्योंकि एफ फैक्टर में ही सेक्स प्लाई प्रेजेंट होती है। सो ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन प्रोसेस एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एफ प्लस टू द एफ माइनस, कभी एफ माइनस टू एफ प्लस नहीं होगा, बिकॉज उसमें एफ फैक्टर ही नहीं है तो सेक्स प्लाई नहीं बनेंगे, तो सेक्स प्लाई नहीं बनेंगे तो कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, सो द टू टाइप्स ऑफ द क्रॉस यू कैन ऑब्जर्व इन अ बैक्टीरिया, एक होता है एफ प्लस क्रॉस विद द एफ माइनस फीमेल, और दूसरा होता है एच एफ आर क्रॉस विद द एफ माइनस फीमेल। एच एफ आर में रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ अ डीएनए फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल बिकम वेरी हाई, बिकॉज उसमें जो प्लाज्मिड होता है आपके न्यूक्लियस के साथ में एसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्रॉस, एफ प्लस और एफ माइनस। देखिए, ये जो आपको पहला दिखाई दे रहा है दैट इज द कौन सा होगा बोलती है, अगर प्लाज्मिड है तो नो डाउट वो एफ प्लस होगा, मेल बैक्टीरिया होगा ना, अगर उसमें एफ प्लाज्मिड है। दूसरी सेल देखेंगे, इसमें जीनोम है बट उसके अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ फीमेल बैक्टीरिया एफ माइनस, सॉरी हाँ ओके। तो अब ये इनिशियल स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट फेज में दो सेल्स हैं, एक एफ प्लस है एक एफ माइनस है। ओके, अब होगा क्या, वही आपका जीनोम, देन प्लाज्मिड, देन फिर एफ प्लस जिसे हम डोनर सेल भी बोलते हैं, फिर आपका ये एफ माइनस ये जिसको हम रिसिपेंट सेल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, एक डोनर सेल है एक रिसिपेंट सेल है, यही हमने देखा था जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। अब एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब उस कॉन्जुगेशन ट्यूब में
प्लाज्मिड का सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, और जब प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है, अब वो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के थ्रू देखिए, अब वो प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एफ प्लस टू द एफ माइनस, मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ द प्लाज्मिड कॉपी फ्रॉम एफ प्लस टू द एफ माइनस। और जब वो एफ प्लस से एफ माइनस की तरफ जाता है, तो दोनों ही बैक्टीरिया एफ प्लस हो जाते हैं, बिकॉज वो रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड है, वो एफ प्लस की साइड में आ जाता है। अब आप देखिए, दोनों बैक्टीरिया एफ प्लस हो गए, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट हो गया, क्योंकि जो पहले एफ माइनस था अब एफ प्लस हो गया, दैट इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब उसमें भी रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड आ गया, एंड अगेन अब वो एफ प्लाज्मिड किसी दूसरे एफ प्लाज्मिड के साथ में क्रॉस करेगा, सो जेनेटिक नई रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ओके, दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ द एफ प्लस टू द एफ प्लस। अब आता है नेक्स्ट क्रॉस, एच एफ आर मेल टू द एफ माइनस फीमेल। देखिए सेम ये जीनोम है आपका, अब इसमें फर्क ये है कि इसमें जो ये प्लाज्मिड है, इट इज एसोसिएटेड विद द जीनोम, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड बोलते हैं, इसको हम एपिसोम बोलते हैं, शायद आपको नाम याद होगा। अब ये होता क्या है, सेम इस एफ प्लस डोनर सेल है, ये एफ माइनस फीमेल बैक्टीरिया जिसको हम रिसिपिएंट सेल बोलते हैं, जिसमें जीनोम प्रेजेंट है और प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। ओके okay? अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, पहले क्या देखिए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है वो रेप्लिकेट हो गया, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट रेप्लिकेट हो गया है, और रेप्लिकेट होने के बाद में अब वहां से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन होने के बाद में कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन होने के बाद में अब ये जो रेप्लिकेटेड पार्ट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द एफ माइनस बैक्टीरिया। देखिए एग्जैक्टली जब ये, अब ये हाई फर्टिलिटी रेट क्यों होता है, जब ये प्लाज्मिड इस डीएनए के साथ में एसोसिएट होता है, मतलब एपिसोम बनाता है, इंटीग्रेटेड होता है, देन ये प्लाज्मिड डीएनए को लाइक ऐसा तो इंड्यूस करता है। ओके, देयर सम इंडक्शन प्रोसेस, ये इंडक्शन करता है कि तुम अपने आप को रेप्लिकेट करो, ये इंड्यूस करता है। सो इन दैट इंडक्शन डीएनए अपने आप को, डीएनए अपनी एक कॉपी बना लेता है, मतलब एक रेप्लिकेट, एक डीएनए का ये पार्ट, लाइक पूरा डीएनए कॉपी नहीं बना रहा, ठीक है, एक छोटा सा डीएनए, लाइक डीएनए एक अपना छोटा सा एक पार्ट का, एक डीएनए सॉरी डीएनए का एक छोटा सा पार्ट अपनी कॉपी बना लेता है। ओके, सो देन इट ट्रांसफर टू द एफ माइनस बैक्टीरिया, सो ट्रांसफरिंग ऑफ द रेप्लिकेटेड डीएनए पोर्शन ट्रांसफर हो गया। अब इन दैट आफ्टर दिस ट्रांसफर, अब एच एफ आर मेल था, और ये देखिए ये जो डीएनए था, व्हेन इट वाज अ ट्रांसफर फ्रॉम दिस सेल टू द दिस सेल, दैट पार्ट ऑफ द डीएनए इट बिकम एसोसिएटेड विद द दिस जीनोम, सो एक नई रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ओके, डिड यू गेट ऑल द पॉइंट्स? सिंपल है, हर चीज सिंपल है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा इस तरीके से शो किया है कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जैसे ट्रांसफर हुआ रेप्लिकेट डीएनए पहुंच गया, एंड देन इट बिकम एसोसिएटेड विद दैट डीएनए। अब ये देखिए वहां पे जो एफ प्लस और एफ माइनस था, उसमें दोनों एक एफ प्लस और एफ प्लस हो गए, क्योंकि वो एफ माइनस था एफ प्लस हो गया, दैट इज योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट। अब ये एच एफ आर मेल है, मतलब ये तो एच एफ आर ही है। ओके, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, ये जो डीएनए होता है इसके साथ में एसोशिएट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे उभरा हुआ नहीं होता है कि आपको लग रहा हो कि उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ नहीं होता, ये इसके साथ में एसोशिएट होता है, बट समझाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा उसको उभरा हुआ दिखा दिया। बट एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, अब डीएनए के साथ में एक, अब डीएनए एक इसके जो करेक्टरिस्टिक थे अब इसमें आ गए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, सारे करेक्टर नहीं, कुछ करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उस डीएनए ने अपना एक, इस डीएनए ने अपने एक पीस की कॉपी किया था, पूरा डीएनए तो कॉपी नहीं हुआ, तो मतलब कुछ ही करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होंगे इस सेल के अंदर, तो कुछ करेक्टरिस्टिक अब इस सेल में आ गए, अब वो कुछ करेक्टरिस्टिक इस डीएनए के साथ में एसोसिएट हो गए, तो अब ये जो सेल है कुछ नई करेक्टरिस्टिक शो करेगा, सो दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। सो ड्यूरिंग दैट रिकॉम्बिनेशन एक एच एफ आर मेल है और दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसमें प्लाज्मिड का ट्रांसफर नहीं हुआ, बट प्लाज्मिड ने डीएनए को इंड्यूस किया कि तुम अपनी कॉपी बनाओ और दूसरी एफ माइनस सेल को भेजो। अब इस एच एफ आर मेल का क्या होगा, क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम चेंजेस की वजह से जब एच एफ आर मेल ब्रेक होता है, मतलब ये जब एच एफ आर मेल, मतलब जब ये जीनोम और ये प्लाज्मिड दोनों सेपरेट होते हैं, तो सेपरेट होने के बाद में कभी कभी ये जो प्लाज्म जब भी कभी कभी ये जो प्लाज्मिड होता है प्रॉपर वे से सेपरेट नहीं होता, जीनोम का कुछ अंश साथ में लेके आ जाता है, कुछ सेगमेंट अपने साथ में लेके आ जाता है, इसे बोलते हैं एफ डैश प्लाज्मिड।
ठीक है, एफ डैश प्लाज्मिड। सो फर्दर एफ डैश प्लाज्मिड, एफ नेगेटिव प्लाज्मिड, दे कैन ऑल्सो भी रिएक्ट। ये भी एक तरह का रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जब एच एफ आर प्लाज्मिड कभी कभी किसी भी रीजन से, किसी भी शॉक की वजह से या किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस की, जब ये सेपरेट होते हैं, तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये इस डीजीनोम से कुछ डीएनए का एक सेगमेंट अपने साथ में लेके आ जाता है, और साथ में जैसे ही वो लेके आता है तो एक नया प्लाज्मिड का फॉर्मेशन होता है, इसे एफ डैश प्लाज्मिड कहते हैं। अब दैट एफ डैश प्लाज्मिड इट कैन रिएक्ट अगेन, वी कैन डू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद द एफ माइनस बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज एच एफ आर प्लाज्मिड एंड स्टिल इट इज एफ माइनस फीमेल। इसका प्लाज्मिड में कोई चेंजेस नहीं हुए, बट डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो गया। ओके, सो लाइक वी स्टडीड अबाउट द कॉन्जुगेशन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द बाइनरी फ्यूजन एंड द एंडोस्पोर एंड द सिस्ट फॉर्मेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टू रिमेनिंग मैथड्स। ओके, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, स्टिल फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आर मेल आईडी varunagrawal@mantrabiology.in एज वेल एज biomantra2019@gmail.com। ओके, शॉर्टली वी विल प्रोवाइड यू द आर वेबसाइट ऑल्सो। ओके, एंड मंत्रा ऑफ द बायोलॉजी डॉट इन, बट लाइक ये अभी पूरी तरह से लाइक बने नहीं है, तो लाइक अभी आधी अधूरी वेबसाइट है। ओके, सो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहता आधी अधूरी वेबसाइट। ओके, सो अगर आप हमसे चाहें तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको फिर वही बताऊंगा बेटा, प्रयास और सफलता के बीच का जो अंतर है, ये अंतर कम करना, इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पर्सन प्रयास करता है, बट हर प्रयास करने वाले में से केवल उसमें से 10% लोग ही उस लोगों का ही प्रयास सफलता में कन्वर्ट हो पाता है। 90% लोगों का प्रयास प्रयास ही रह जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन जो 90% लोगों में कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी रहती है, हो सकता है कि उसमें से 30% ऐसे होंगे जिसमें नॉलेज की कमी होगी, बट 70% बेटा इसमें से ऐसे होते हैं जिसमें नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है। आप देखेंगे आपको ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे जो कितने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इनको तो अच्छी नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होती है कि इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। शायद कुछ परफेक्शन की कमी है, तो शायद वो अपने आप को एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। ओके, सो अपने आप को स्मार्टली प्रिपेयर कीजिए। हार्डवर्क इज अ मैंडेटरी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट अलॉन्ग विद द हार्डवर्क स्मार्टली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और कहीं कोई कमी मत छोड़िए। कोई अपने आप को डिस्काउंट मत दीजिए कि अपने आप को डिस्काउंट ले लिया। जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिस्काउंट देंगे, एग्जाम उतना डिस्काउंट मार्क्स काट लेगा, ठीक है, एग्जामिनर उतने डिस्काउंट के साथ मार्क्स काटेगा। तो इसलिए परफॉर्म योर वेल, अपना 100% दीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर हम सेलेक्ट नहीं हो पाते और हम उसको छोड़ देते हैं, लाइक हमने छोड़ दिया प्रिपरेशन करना और हम शायद किसी दूसरे डिसिप्लिन में चले जाते हैं, लाइक साइंस ग्रेजुएशन चले जाते हैं, किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, और हम डिग्री भी हासिल कर लेते हैं और शायद जॉब करने भी लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक, हमेशा मन में एक ख्याल रहता है कि शायद मैं एक प्रयास और कर लेता, शायद एक अच्छा एफर्ट, एक कदम और ऊपर कर लेता तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाता। मन में एक, कह सकते हो ना, एक फांस सी रहती है कि शायद मैं एक प्रयास और कर लेता, शायद एक कदम मैं और ऊपर सोच लेता, शायद जो मैं सोच पा रहा था उससे एक ऊपर और सोचता है लेवल के, तो शायद मैं आज डॉक्टर होता, शायद मैं अपने सपनों को साकार कर लेता। चांस कभी कभी मिलता है, लेकिन मिलता सबको है, तो ये चांस आ जाओ आपके पास साथ में। ये मत सोचिए सीट कितनी है, जस्ट पुट योर सोल टू ग्रैब योर सीट्स, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको थोड़ी ना 1000 सीट्स लेनी है। सो पुट योर सोल टू ग्रैब योर सीट, ठीक है। सो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इवन मैं कुछ और भी आपको कुछ ऐसे मोटिवेशन लेक्चर मुझे देने हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू आउटकम। ये मैं इसके लिए मैंने काफ़ी कुछ रीड कर रहा था कि हाउ यू कैन कन्वर्ट आर नॉलेज इनटू आउटकम फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जनरली इस पर एक लेक्चर देने वाला हूँ जल्दी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, चलता हूँ फिर मैं आपसे, मिलेंगे फिर आपसे हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।